अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूँ सिद्रा इकबाल एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ अ न्यू डे, अ न्यू वीक। वैसे कुछ लोगों की अभी तक सुबह नहीं हुई है, उम्मीद करते हैं कि उनकी सुबह हो जाए, लेकिन बहरहाल जी देर से आने के लिए माजरत, कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से वी आर अ लिटिल लेट। लेकिन आज सबसे पहले जी शुरुआत करेंगे द लेजेंडरी सिंगर ऑफ साउथ एशिया नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर साहिबा हमारे दरमियान नहीं है। कल ये ब्रेकिंग न्यूज़ ने तमाम ही दुनिया के म्यूज़िक शायकीन को, खुसूसन जो बॉलीवुड म्यूज़िक से, जो इंडियन म्यूज़िक से रुख़बत रखते हैं, उनको गमगीन कर दिया। आपको बताते चलें कि लता मंगेशकर जी पूरी जनवरी के महीने में अलील रही हैं और उनका इंतकाल मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स की वजह से हुआ, और उसमें यकीनन कोविड की वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस थी। जब सुबह सुबह ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई, यकीनन उसके बाद एक सिलसिला, एक तांता बन किया, ना सिर्फ फ़नकारों का, म्यूजिशंस का, बल्कि जहाँ जहाँ भी उनकी मौसीकी के शायकीन मौजूद थे सभी अफसरदा नज़र आए। ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान दोनों ही जगह #टैग लता मंगेशकर जी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ट्रेंड करता रहा, एक छाप छोड़ी है 3 जनरेशंस के दिलों पर। अगर हम अपने नाना दादा की बात करें, वो भी उनके फ़ैन्स थे, हमारे पेरेंट्स की बात की जाए, वो भी उनके फ़ैन्स थे, और हमारे बचपन तक शी वॉज़ फेयरली एक्टिव, और ये देखा जाता है कि उनका जो स्टैम्प है इंडियन म्यूज़िक पे, उसको कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको बताते चलें कि इज़्ज़त शोहरत की इतनी बुलंदी पे पहुंचने के बावजूद भी इंसान की ज़िंदगी में गम और मुश्किलें होती हैं। मुझे ख़ास तौर पे कल उनका एक न्यूज़ बाइट उनकी इंटरव्यू में से चल रहा था, और मैं यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। उनसे पूछा गया कि अगर आपको दोबारा जन्म मिले और आपको दोबारा लता मंगेशकर बनने का मौका मिले, तो क्या आप बनना चाहेंगी? आइए देखते हैं लता जी ने का क्या जवाब दिया। मुझे पहले भी किसी ने पूछा था, तो वही जवाब मेरे पास है कि ना ही जन्म मिले तो अच्छा है, और अगर वाकई जन्म मिला मुझे तो मैं लता मंगेशकर बनना नहीं चाहूंगी। क्यों? नहीं, ये लता मंगेशकर की जो तकलीफें हैं वो उसको ही पता है। लता जी को जब पूछा गया कि अगर आपको दोबारा ये इस तरह का ज़िंदगी दोबारा मिले, लता मंगेशकर जैसी शोहरत, जैसी पज़ीराई दोबारा हासिल करने का मौका मिले, तो उन्होंने कहा कि नंबर 1, मैं चाहूँगी कि दूसरा जन्म मुझे ना मिले, लेकिन अगर मिले तो मैं लता मंगेशकर कभी नहीं बनना चाहूँगी, क्योंकि लता की मुश्किलें और परेशानियाँ सिर्फ वही जानती हैं, एंड शी इज़ रियली प्रूव्ड हरसेल्फ टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। आपको बताते चलें कि 8 साल की उम्र में सबसे पहले उन्होंने अपना करियर एज एन एक्टर स्टार्ट किया। उनके वालिद भी एक थिएटर डायरेक्टर थे, और तकरीबन 1940s में शी यूज़ टू अपेयर एज एन एक्टर, कभी सपोर्ट रोल में, कभी हीरोइन की बहन के रोल में, लेकिन वो हमेशा कहती थी मुझे एक्टिंग ज़्यादा पसंद नहीं थी। आज हमारे पास दो हमारे मेहमान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है इंडिया से। सबसे पहले जी मायनाज अदाकार जनाब रज़ा मुराद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। और इसके अलावा माई वेरी डियर फ्रेंड हु हैज़ फॉर्मली सर्व्ड एज द एडिटर ऑफ मसाला मैगजीन इन दुबई, इसके अलावा she is also one of the well-known entertainment and Bollywood journalists of India. हमारे साथ मौजूद हैं लेखा मेनन। So let me start with Lekha. Hi Lekha, a very good morning to you. Thank you for making time for me. Can you hear me? Yes, Sidra, I can hear you. Brilliant. It's so good to see you here again. I know that for the last couple of years you were in India, now you're back in Dubai. Lekha, this news has really saddened the fans of music and the fans of Lata ji all across the world. But since you and I were connecting yesterday, you spoke of how strong she was as a performer and as a woman. Back in the 60s and 70s, she was the one person who rose up against the tide and actually convinced people and literally led the pledge for royal for artists. Can you shed some more light on that? Yes, Idra. For me, Lata ji is not just an artist. Of course, we have grown up with her. I'm an 80s child, and she has been part of our family. It seems like a family member because we've grown up on her music. She's everywhere. She's omnipresent, so to say. But for me, at this age, the way I look at her and her legacy is purely through the lens of a woman. And at a time when women's empowerment and these terms were not even part of her lexicon, she was the one who actually led that battle for royalties, for her rights as a musician, as a singer. And in the process, what I have known is that she did rub a lot of powerful people the wrong way. Always it is very difficult going against the tide, especially in a male-dominated industry. Right. For a woman of her
at her stage and at her age, when she was already at the top of her career, to take a stand. And not, it's very easy to conform, but she was a non-conformist. And the way she fought for her royalty, and in, despite the fact that it led to controversies, it led to, allegedly led to a falling out with some of her friends, but it didn't deter her. Right. So for me, the way she, I see it is that she's a person who stood by what she felt was right. She knew how to fight for herself, for her rights, and for the rights of other singers. And that itself is, I think it's just so remarkable. Absolutely. Her force, her strength really comes from not just her talent, but her ideas and her beliefs as well. And we've been celebrating her life. Unki zindagi ke mukhtalif pehlu aaj humare saamne aate hain. Unki biographies hain, unki unke bare mein bahut kuch likha aur you know print kiya gaya hai. Lekin ye bhi batate chale, cricket ki bahut badi you know shaukeen thi. Iske alawa Raza sahab humare saath maujood hai. Raza sahab, aap kya kehna chahenge? Itni maharat के साथ हर मूड को अपनी आवाज़ के थ्रू अमर बना देना, यानी उनके गानों को अगर देखा जाए उसमें आपको उदासी का एलिमेंट भी नज़र आएगा, उसमें उन्होंने गम को भी, यानी उनकी आवाज़ के साथ लोगों की आंखें छलक जाती थीं। इसी तरह रोमांस की बात की जाए, शरारत की बात की जाए, उनकी प्रावेस जो है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे रज़ा साहब? मैं तो शुरुआत इस शेर से करूँगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में लीलावर पैदा। लता जी जैसी फनकारा 100 साल में नहीं, एक सदी में नहीं, बल्कि हजारों साल में एक लता मंगेशकर पैदा होती हैं। जहां तक उनके फन का सवाल है, अपने इस फन की अजमत से उन्होंने हमारी मायूस जिंदगियों में खुशियां बिखेरी, रंग फेरे, और वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा थी। बेशक, बेशक। जैसे हर इंसान के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, एसेंशियल कमोडिटीज जिन्हें हम कहते हैं, लता जी हमारी जिंदगी की एसेंशियल कमोडिटी थी। जैसे हमें बिजली चाहिए, पानी चाहिए, आपसे मैं गुफ्तगु जारी रखूंगी। लेखा विल हैव टू लीव अस शॉर्टली, तो मैं सिर्फ उनसे एक सवाल करना चाहूंगी। लेखा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कंट्रोवर्सी? यू नो, अपनी शोहरत की, अपनी प्रावेस की जब इंसान पीक पर होता है, और आपके ऑफकोर्स शी इंजॉयड अ लॉट ऑफ यू नो स्ट्रॉन्ग एंड क्लोज रिलेशनशिप विद द टॉप प्रोड्यूसर्स एक्टर्स इन इंडिया, बट यू नो शी इज अलेज्ड टू हैव अ मोनोपोली व्हिच सम पीपल से हैज यू नो नॉट लेट अदर आर्टिस्ट एंड स्पेशली अदर फीमेल प्लेबैक सिंगर्स फ्लरिश। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? Honestly, I don't think it was, she was a powerful woman, and the fact that her talent was something that was not, it was unmatchable. I think a lot of singers, I'm sure she addressed this issue also, she was asked about it, and I've read her interviews where she said that it was also because a lot of singers were trying to copy her, they were trying to emulate her, and I don't think there was a monopoly or anything as such, because in an industry that had 700 films that was being made, I mean, one singer cannot sing all the songs. So obviously, I don't think that is actually a fair allegation on her. Absolutely. But the fact is that I think if you are... I think she got the best of the best combinations come her way, which were truly magnetic. Precisely. And she was a woman of... as I said, a woman of substance in the true sense of the term. Right. And somehow society, again, when you go against society, against a male-dominated industry, somehow there are people who are wanting to bring you down, or they're trying to create controversies. Because I don't think society, even back then, was ready for a very powerful woman. So that's how I look at them. Very true. Thank you so much, Lekha, for being with us and for that very, you know, astute comment. Because you're absolutely right. It's A, about being power, and it's also about grace. I think she's faced all the alleged controversies, allegations, with a lot of grace and dignity. So thank you so much for that. Abhi humne apne mehmanon, apne nazreen ke saath share ki Lata ji ki bahut sari yaadein, yaadashtein, mukhtalif interviews mein jab
जब वो अपने पाकिस्तानी साथियों को, फ़नकारों को सराहती थी। मैडम नूरजहां की वो बहुत बड़ी फ़ैन थी। मेहदी हसन साहब के बारे में कहती थी कि इनके गले में भगवान यू नो झलकते हैं, उनका सुर सुनाई देता है। लेकिन आज फास्ट फॉरवर्ड करके अगर हम देखते हैं तो क्या वो तो बहुत बड़ी फ़नकारा थी, उनका दिल भी बहुत बड़ा था, वो तारीफ़ करने से चूकती नहीं थी। क्या आज हम सबके दिल थोड़े छोटे हो गए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तानी जो फ़नकार है उनकी पज़ीराई तो बहुत है, उनकी फॉलोइंग तो बहुत है भारत में, लेकिन उस तरह उनको खुले दिल से अपनाया या बुलाया नहीं जाता। इस पे आपका कमेंट चाहूंगी। तरह नहीं करना चाहूंगा जी, ना तंकीद करना चाहूंगा जी जी। ये जो वक्त है ये लता जी की खूबियों को बयान करने का है। अगर हम बात गुफ्तगू लता जी के बारे में करें तो बेहतर होगा। लता जी के बारे में एक शेर में और अर्ज करता हूं कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। वही बात है। तो पिछले 80 साल से वो जिस पोजीशन पे थी कोई उनके करीब भी नहीं पहुंच पाया। नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक लता जी थी। सही। तो कोई क्लोज सेकंड भी नहीं था उनके। और रजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक आपके साथ हमारा कनेक्शन थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, लेकिन व्हाट वी रियली वांटेड टू हाईलाइट यानी आज के इस सेगमेंट में, एक तो नंबर 1 शायकीन की अगर बात की जाए तो यकीनन उनकी पज़ीराई पूरी दुनिया में थी। जहाँ जहाँ उर्दू हिंदी ज़बानें बोली जाती थी, बल्कि 36 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ ज़बानों में गाना गाने का, उसकी मौसीकी में अपने आप को इन्वॉल्व रखने का क्रेडिट लता जी के पास है। लेकिन अहम बात यह है कि एक फ़नकार की लेगेसी को होलिस्टिकली देखा जाए। जैसे हम लेखा से जब अभी बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि उस ज़माने में 50 की दिहाई में, 60 की दिहाई में डट जाना एक यू नो 20 समथिंग खातून का, यानी शी वॉज इवन यू नो वेरी ओल्ड एट दैट टाइम, और उनका ये कहना कि नहीं फ़नकार की रॉयल्टी बहुत जरूरी है, फिर इसी तरह उन पर एलिगेशंस लगना कि जी ये बाकियों का करियर खराब करती हैं, सिर्फ अपने लिए बेहतरीन लोगों को चूज करती हैं, लोगों के रास्ते बंद करती हैं, उसको विद डिग्निटी फेस करना। और सबसे अहम बात ये है कि जो आपकी छाप होती है, जितने मैंने देखा कि पाकिस्तानी म्यूजिक आर्टिस्ट का, जो उनसे बहुत छोटे थे एज में, जब भी इंडिया गए, जब भी मुलाकात हुई, उन्होंने बड़े खुले दिल से सराहा। सो आई थिंक दैट इज़ द ट्रू लेगेसी ऑफ अ ग्रेट आर्टिस्ट। और उनका जितना भी गाया हुआ और जितनी भी उनकी मौसीकी है, मैं समझती हूँ कि बरसग़ीर की साउथ एशिया की एक शेयर्ड कल्चरल एसेट है। सो आज इसी के साथ हम अलविदा कहना चाहेंगे टू द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।